आज हम बात करेंगे डिवाइसेस फॉर प्रमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन। ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती हैं? तो इसमें सबसे पहले जो है वो यूनिसेक्स वेल है। यूनिसेक्स वेल का मतलब क्या है? जो फ्लावर है या तो वो मेल होगा उसमें पार्ट या फीमेल पार्ट होगा, ठीक है, या फ्लावर स्त्रीलिंग होगा या स्टैमलिंग होगा। तो अगर फ्लावर यूनिसेक्स होगा तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन का सवाल नहीं उठता। क्या है उसके पास? एक ही विकल्प है कि जो मेल पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन जो है वो भी मेल पार्ट फिनिशिंग में है वहां पर किसी और फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होगी। मतलब उसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है क्रॉस पोलिनेशन का, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है इसमें मैकेनिज्म वो है डाइकोगेमी। अब सपोज अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो कई ऐसे फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है लेकिन उनमें फिर भी क्रॉस पोलिनेशन होती है, तो उस केस में क्या होता है? प्लांट के पास, फ्लावर के पास दो विकल्प रहते हैं। इसमें क्या होता है? जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल पार्ट दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ये आपने बात याद रखनी है। अब डिफरेंट टाइम के ऊपर मैच्योर होंगे, जैसे पोलन ग्रेन है पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं है तो क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी, तो उसके लिए फिर भी एक ही विकल्प बचेगा क्रॉस पोलिनेशन। तो डाइकोगेमी में आगे फर्दर दो कंडीशन है, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगामी। प्रोटेंडरी मींस अगर मेल पार्ट मैच्योर्स अर्लियर देन फीमेल देन दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटेंडरी कंडीशन। प्रोटेंडरी कंडीशन कैन बी सीन इन साम्बिया, क्लियर। प्रोटेंडरी का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन उसमें जो एंथर है वो पहले में मैच्योर हो जाता है और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होता है, जहां फीमेल जो कार्पल है फीमेल पार्ट जो है वो बाद में मैच्योर होता है। और दूसरा प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी कंडीशन में फीमेल पार्ट मैच्योर्स अर्लियर देन मेल पार्ट, जैसे मिराबिलिस प्लांट। मिराबिलिस प्लांट में प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है जिसमें जो कार्पल है वो पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा जो है वो उसका रिसेप्टिव हो जाता है और जो पोलन ग्रेन है वो बाद में मैच्योर होते हैं, क्लियर। तो ये डाइकोगेमी। उसके अलावा तीसरी कंडीशन है सेल्फ स्टरिलिटी। सेल्फ स्टरिलिटी, जैसा नाम वैसा काम। सेल्फ स्टरिलिटी का मतलब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ स्टरिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर गिर जाए तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। सेल्फ स्टरिलिटी नाम से ही पता चल रहा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है प्री पोटेंसी। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो प्री पोटेंसी। ये वीडियो बहुत कम लोगों ने बनाया इसलिए इसको आप ध्यान से समझना है। प्री पोटेंसी, प्रीपोटेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दूसरे प्लांट्स के वो स्टिग्मा के ऊपर जल्दी ग्रो कर जाते हैं एज कंपेयर टू अपने प्लांट के, अपने फ्लावर के। अपने फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर यहां गिरेंगे सपोज और दूसरे किसी प्लांट से आए हैं पोलन ग्रेन क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए, तो जो दूसरे प्लांट से आए होंगे वो जल्दी जर्मिनेट कर जाएंगे और जो अपने होंगे वो जर्मिनेट नहीं करेंगे जल्दी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीपोटेंसी। ये कंडीशन भी क्रॉस पोलिनेशन के लिए हेल्पफुल है, क्लियर। उसके बाद है हटीरोस्टाइली। हटीरोस्टाइली का मतलब क्या है कि इसमें जो स्टाइल है उसकी अलग अलग लेंथ होती है, जैसे स्टाइल ऊपर लंबा हो जाता है और जो स्टेमन है वो नीचे रह जाता है, तो ऐसे तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, क्लियर। उसके बाद लास्ट क्रिएशन जो है वो है हार्पोगेमी। हार्पोगेमी, हार्पोगेमी में ऐसा होता है कि जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती हैं वो इस प्रकार से अरेंज होती हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन को वो ज्यादा प्रमोट करती हैं एज कंपेयर टू सेल्फ। जैसे एक्सट्रोज कंडीशन, जो पोलन ग्रेन है वो एक्सट्रोज मींस जो एंकर लोड बाहर की तरफ होगी, एक्सट्रोज कंडीशन। तो जब पोलन एंकर बर्स्ट करेगा तो पोलन ग्रेन जो है वो बाहर को गिरेगा, स्टिग्मा अंदर है सपोज तो यहां गिरने की चांसेस कम है, तो ये हार्पोगेमी के अंतर्गत आता है। So this is all about the day. Thank you very much.